हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है मोनोकल्चरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, मोनोकल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो अगर हम वर्ड की बात करें मोनोकल्चरल, तो यहाँ पर कल्चर से रिलेटेड आपकी कम्युनिकेशन की बात की गई है, एक जैसे कल्चर की बात की गई है। तो एक जैसा कल्चर हम कैसे मान सकते हैं? तो यहाँ पर ये मानते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर कोई किसी भी ग्रुप का हो और अगर उनमें चाहे कोई सिमिलैरिटी हो या ना हो, उसके बावजूद उनसे कम्युनिकेट करना इस बेसिस पे कि वो सारे ग्रुप एक जैसे सिमिलर हैं, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन ओन ग्रुप एंड अदर ग्रुप्स। यहाँ पर हम अपने ग्रुप और बाकियों के ग्रुप में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम उन ग्राउंड पे बात करते हैं जो कि सिमिलर होते हैं लोगों के कल्चर में। मतलब मान लीजिए कि दो लोग हैं, दो अदर कल्चर से वो आते हैं, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, उसके बावजूद भी अगर वो कम्युनिकेट करते हैं और उनके अपने कल्चर में कॉमन ग्राउंड को तलाशते हैं, कॉमन ग्राउंड पे बात करते हैं, तो उसको हम मोनोकल्चरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इट रिफर्स टू अ कल्चर दैट हैज़ नाइदर कॉन्टैक्ट विद नॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रुप आउटसाइड इट्स ओन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उस कल्चर के बारे में आपको पता भी नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन आप करते हैं। अगर मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है किसी कल्चर में लेके, उस कल्चर को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न होगा लैक ऑफ ट्रेनिंग और कॉमन सेंस। मतलब कि अगर वहाँ पर कोई इस बात को, उसके पास वो ट्रेनिंग नहीं है कि उसको कैसे बात करनी चाहिए, या उसको कॉमन सेंस नहीं है कम्युनिकेशन की, तो ही वहाँ पर डिसएग्रीमेंट होगा। मतलब कि वहाँ पर किसी भी तरीके के डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कल्चर के बेसिस पे ग्रुप्स में डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता है, सबको एक जैसा माना जाता है, कल्चर्स को एक जैसा माना जाता है, एक ही मोनोकल्चर के बेसिस पे यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। तो ये था आपका मोनोकल्चर कम्युनिकेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।